विकी कौशल दा पंजाब आके एक्साइटमेंट बेहद ज़्यादा होंदा है। ते रीसेंटली जब चंडीगढ़ पहुंचे विकी कौशल तो उन्होंने पंजाब दे नाल अपना कनैक्शन भी दस्या ते दस्या कि हुशियारपुर उन्हां दा पिंड है। ते नाल ही वो कहिंदे ने कि जब भी वो इत्थे आउंदे ने ना हुण तां उन्हां दा आना जाना थोड़ा घट हो गया, लेकिन दिल तो खुशी हुंदी है। विकी हमेशा पंजाबी बोल के सारिआं दा दिल खुश कर दिंदे ने। ते वो कहिंदे ने कि जब भी मैं पंजाबी च गल करदा ना तां मेरा दिल जरूर खुश हुंदा है। और दे नाल नाल उन्होंने कहा कि जब पंजाबी बोल के लोगों नाल गलबात करदे ने उन्हां नूं लगदा है कि मैं अपणिआं नाल गल कर रहा। इस दे नाल नाल वो हमेशा कहिंदे ने कि मैं अपनी फिल्मां नूं लैके इत्थे आना ही चाहुंदा आ। एमाजॉन प्राइम दे उत्ते उन्होंने एक फिल्म की सी सरदार उधम, जिस दे विच कमाल दा किरदार उन्होंने निभाया सी। ते विकी जिस तरह की पंजाबी बोलते हैं ना, वह अक्सर पता लगता है कि वह दिलों बोलते हैं। तो उस तरह का कोई एक्सेंट नहीं कैरी करते, बिल्कुल ठेठ तरीके बोलते हैं। तो इस बार भी उन्होंने आके कहा कि हुण उन्होंने जब अगली फिल्म की प्रमोशन होएगी, जो कि बैड न्यूज़ उन्होंने फिल्म होने वाली है, उस दे लई भी वो पंजाब आना चाहते हैं, तो लोगों को मिलना चाहते हैं, तो गलबात करना चाहते हैं। किस अंदाज दे विच विकी कौशल दिखे सी ते की कुछ कहा सी आप दिखाने आ। पहले तो सारे नु सत श्री अकाल। पंजाब आके हमेशा बहुत खुशी मिलती है मैनू, क्योंकि पिंड मेरा हुशियारपुर ही है। ते है खाना बैठा हुण तो मैनू इन्ना लग गया हो गया। इज दिस बेटर? ओरे बट नहीं, पहला बहुत खुशी हुंदी पंजाब आके। मैनू हुण काम दे चक्कर च काफी टाइम बाद आउण नु मिलिया, तो मैं आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर। अपनी मुँह बोली गल करके बड़ा अच्छा लगता। ताडे नाल तां इंटरव्यू भी कीती है मैं पहला। सो गुड टू सी दोज फेसिस अगेन, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस ब्यूटिफुल आफ्टरनून। अपना काम ही लुक पिक्चरां दे बेस्ड हुंदा, वो कहिंदे दाढ़ी बधा लो आपां बधा ले दी आ, कहिंदे शेव कर लो आपां शेव कर ले दी, ते पिक्चर लई आ व्हाट आई एम वर्किंग ऑन। हेलो हेलो, नहीं नहीं नहीं, उत्ते नहीं करदे पए। हाँ जी जुलाई च आनी है, जुलाई च आनी है 19 जुलाई नूं। ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਆਊਂਗਾ ਨਾ, ਇਹ ਸ਼ੂਟਿੰਗ 'ਚ ਬਿਜ਼ੀ ਸੀਗਾ ਮੈਂ, ਸੋ ਆਮ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਦਿਸ ਫਿਲਮ ਨਾਓ ਐਂਡ ਵੀਲ ਬੀ ਬ੍ਰਿੰਗਿੰਗ ਯੂ ਬੈਡ ਨਿਊਜ਼ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਸੂਨ, ਐਂਡ ਉਹ 'ਚ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲੱਗੂਗਾ 100%। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਖਾ ਹੋ ਜੀ। सी मुझे हमेशा लगता है कि आपको ना, आप पढ़ाई हो चाहे काम हो चाहे पर्सनल चीज़ें हो, कोई भी हो, यू ऑलवेज नीड दैट समबडी हु टेल्स यू कि यार तू बेफिक्र रह। आप जब बड़े हो रहे हो, बचपन में आपकी शुरुआत फैमिली से होती है, आपकी टीचर से होती है, आपके सराउंडिंग से होती है, तो बहुत लोग थे कि हाँ यार तू बेफिक्र रह, हो जाएगा। जैसे मुझे याद है कि जब आई वॉज स्ट्रगलिंग टू बी एन एक्टर और मैं ऑडिशंस देता था, मुझे समझ नहीं आता था, काम मिल नहीं रहा था, तो कि यार कैसे होगा कैसे होगा, तो मेरी माँ ने कहा था कि यार तू फिक्र मत कर, ऊपर वाला है संभाल लेगा।